गाइस, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सी। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि हम लोग ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो कौन सी कंपनी का यूज करते हैं और उसके क्या फायदे हैं, ऐसा क्या खास होता है क्योंकि हम प्रेफर करते हैं उन ग्राफिक कार्ड्स को। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग दो कंपनियों में ग्राफिक कार्ड ज्यादा यूज करते हैं, एक है एनवीडिया एंड एक है एएमडी ग्राफिक कार्ड। उसमें ऐसा क्या खास होता है, आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं, पर मैं आपको एक सही आंसर दूंगा। तो अगर आप अपने ज्यादा गेमिंग का आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसमें आपको पता होगा कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड बहुत बेस्ट होता है उस गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए। एंड अगर आप यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो उसमें आपका एएमडी का ग्राफिक कार्ड यूज होता है, वो बहुत अच्छा होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो गाइस, ग्राफिक कार्ड में ऐसा क्या होता है इसको हम इतना यूज करते हैं, आपने आपको पता ही होगा सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है जिसके अंदर 1 से लेके 8 कोर्स होते हैं। कुछ कुछ सीपीयू के अंदर 4 कोर्स का भी आता है प्रोसेसर और 8 कोर्स का भी आता है। ग्राफिक कार्ड के अंदर स्मॉल स्मॉल कोर्स होते हैं जिससे कि आपका ग्राफिक कार्ड का जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट होती है और एफिशिएंटली वर्क करती है, इसीलिए ग्राफिक कार्ड को सीपीयू के अंदर जोड़ते हैं। और आपको पता ही होगा एक और कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है ग्राफिक कार्ड को, उसका नेम है इंटेल। गाइस, इंटेल का ग्राफिक कार्ड हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो इतना हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होता है। तो गाइस, मेरा ओपिनियन ये है, जो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड होता है वो आपके डेस्कटॉप में यूज होता है बिकॉज वो कॉस्टली होते हैं डेस्कटॉप, एंड जो लैपटॉप होते हैं उसमें बिकॉज उस लैपटॉप हमारे थोड़े सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं डेस्कटॉप को लेके, इसीलिए उसमें एएमडी ग्राफिक कार्ड हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है और वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, जैसे कि हम अपने यूजर्स को थोड़ा फास्टेस्ट एंड एफिशिएंट बना सके एएमडी के थ्रू। तो गाइस, आपको आज मेरी वीडियो में पता लगा होगा कि एक ही कंपनी के लैपटॉप और डेस्कटॉप में एक अलग अलग तरह के ग्राफिक कार्ड का क्यों यूज होता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।